Hello learners, welcome back to my YouTube channel. This is second video from your history book, chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो पॉपुलर आइडियाज थे लिबर्टी और इक्वालिटी. And after that we discussed the ideology of liberals, radicals and conservatives. Then we discussed about the industrialization and the workers' society. Then we discussed the definition of socialism, the idea of socialism and what impact in Russia and the whole Europe. And today we will discuss about the Russian Revolution. Students, जो रशिया था वो एक लिस्ट इंडस्ट्रलाइज स्टेट था यूरोप का, यानी यूरोप का एक ऐसा स्टेट था जिसके अंदर जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही कम संख्या में इस्टेब्लिश की गई थी. अक्टूबर रिवोल्यूशन जो 1917 में हुआ था उसके जरिए, उस अक्टूबर रिवॉल्यूशन के कारण ही जो सोशलिस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट को कंट्रोल किया था, उसके ऊपर अपनी पावर दिखाई थी. अब ये रशियन रिवॉल्यूशन है क्या? फरवरी 1917 के बाद जो मोनार्की फॉल हो गई थी, यानी कि राजा का वहाँ पर एंड कर दिया गया था, और अक्टूबर के अंदर जो इवेंट्स हुए इन दोनों को मिलाकर ही रशियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है. द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन. एम आई क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं कि जो रशिया था उसके ऊपर, जो रशियन एम्पायर था 1914 में. आपको एक बात और भी पता होगी, 1914 में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था. ओके, और जो एंड हुआ था 1918 में, यानी कि 4 इयर्स तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था. तो उस समय पर रशियन एम्पायर की जब हम बात कर रहे हैं 1914 की, उस समय पर जो जार निकोलस सेकेंड था वो रूल कर रहा था रशिया को. उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि रशिया जो वो है क्या. स्टूडेंट्स, जो उस समय का रशिया था वो किन किन कंट्रीज़ को मिलकर बनाया गया था ये हम डिस्कस करते हैं. तो उसके अंदर लतविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रोमानिया और ग्रीक पोलैंड, स्लोवाकिया, ये जो छोटे छोटे स्टेट्स थे ये सब मिलकर के उस समय का रशिया बनता था. इसके साथ साथ कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट भी थे जिनमें जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया, ये भी स्टेट थे जो उस समय के रशिया का पार्ट होते थे. दैट टाइम रशिया का जो मेजर रिलीजन था वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था, विच हैड कम आउट ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च. इसके अलावा कैथोलिक्स, मुस्लिम्स, प्रोटेस्टेंट्स, बुद्धिस्ट, ये रिलीजन्स के लोग भी वहाँ पर रहते थे. स्टूडेंट्स, मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि जो जैसे हमारे यहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, हिंदू धर्म के अंदर भी हम
भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, कोई शिव को पूजता है, कोई दुर्गा माता की पूजा करता है, तो ऐसे ही जो क्रिश्चियनिटी होती है उसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। रशिया जो है वो मेनली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था। उसके अलावा जो कैथोलिक्स थे वो भी वहाँ पर थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि केवल एक ही रिलीजन था। मेनली वहाँ पर जो मेजॉरिटी थी पीपल की वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की थी, लेकिन बाकी अन्य रिलीजन्स भी वहाँ पर थे। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी की। जो 80% पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में बिजी थी, 80 और पीजेंट्स जो थे वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के साथ साथ मार्केट के लिए भी प्रोडक्शन किया करते थे। रशिया इसी कारण से मेजर ग्रेन एक्सपोर्ट बन गया था एट दैट टाइम, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं। यदि हम इसी को बाकी कंट्रीज, यूरोप के बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो जर्मनी के अंदर ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में बिजी थी और फ्रांस में केवल 40%। तो अकेला रशिया ही ऐसा स्टेट था यूरोप का जहां पर 85% पॉपुलेशन, इज अ ह्यूज पॉपुलेशन, जो है वो अपनी लिविंग एग्रीकल्चर से अर्न कर रही थी। जो इंडस्ट्रीज थी वो पैकेट्स में मिल रही थी, यानी कि हमने सबसे पहले ही पढ़ा है कि रशिया जो था वो लीस्ट इंडस्ट्रियल एरिया था, यानी कि सबसे ज़्यादा कम इंडस्ट्रीज जो हैं वो रशिया के अंदर थी। यदि हम कंपैरिजन करते हैं बाकी यूरोपियन स्टेट से, तो पैकेट्स का मतलब है कि कहीं कहीं पर ही वो इंडस्ट्रीज मिलती थी और वहाँ का जो मेन इंडस्ट्रियल एरिया हम कह सकते हैं वो था सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ये दो ऐसे इंडस्ट्रियल स्टेट थे उस समय के, जो क्राफ्ट्समैन हैं वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते थे। जैसा कि हमने पढ़ा था उसको इंक्रीज़ करने के लिए 1890s तक जो फैक्ट्रीज़ हैं वो इस्टेब्लिश की गई थी। रशिया का जो रेलवे नेटवर्क था उसको एक्सपेंड किया गया था ताकि जो कच्चा माल होता है यानी कि रॉ मटेरियल जो होता है उसको फैक्ट्रीज तक लेकर आया जाए। उसके साथ साथ जैसे ही रशिया में रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सडन इंक्रीज हो गया था। उसके साथ साथ इस रेलवे नेटवर्क की वजह से ही जो कोयल प्रोडक्शन था यानी कि जो कोयला उत्पादन था वो डबल हो गया और आयरन और स्टील का जो था वो भी बढ़ गया था। तो 1900 तक आते आते जो फैक्ट्री वर्कर्स, क्राफ्ट्समैन, अब वो सब एक एरिया में इस्टेब्लिश हो गए थे फैक्ट्री के आसपास। जो फैक्ट्रीज थी वो मेनली प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी और गवर्नमेंट जो थी वो उनको केवल सुपरवाइज करती थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, यानी कि जो वर्कर्स थे उनके वर्किंग आवर्स लिमिटेड हों और उनको गवर्नमेंट ने जितना मिनिमम वेजेस, मतलब होता है कि उससे कम वेतन पर हम किसी भी वर्कर को अपने यहाँ फैक्ट्री में जॉब पर नहीं रख सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने जितना मिनिमम वेज डिसाइड किया था और जितने वर्किंग आवर्स डिसाइड किए थे वो सब फुलफिल हो रहा है या नहीं इसको केवल सुपरवाइज करते थे। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उसके अंदर नहीं था, लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे वो उन रूल्स को फॉलो कराने में हेल्पफुल नहीं हो रहे थे। आप कह सकते हो करप्शन की वजह से या कुछ और रीज़न, क्योंकि जो वर्कर्स होते थे उस समय पर उन्हें 12 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता था और उनके जो अकोमोडेशन था यानी जो रहने की व्यवस्था थी वर्कर्स की वो भी अच्छी
नहीं थी। हालांकि जब फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लगनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत सारे जो मैन वुमन चिल्ड्रन वो सब अट्रैक्ट हुए थे फैक्ट्रीज़ की तरफ कि हमें एक, क्योंकि जो हार्वेस्ट होती है, जो एग्रीकल्चर होती है, उसमें सिक्योरिटी नहीं होती है आपके काम की कि एंड ऑफ द ईयर आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। उसी दौरान ड्रॉट हो गया या बारिश अच्छे से नहीं हुई तो आपकी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है। तो लोगों को लगा कि जो फैक्ट्री के अंदर यदि वो एज ए वर्कर काम करेंगे तो मे बी उनको एक एंड ऑफ द मंथ एक सैलरी मिलेगी और उसकी श्योरिटी रहेगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके वर्किंग आवर्स इतने लंबे होंगे और उनके जो वेजेस हैं वो बहुत ही कम होंगे कंपेयर टू द वर्किंग आवर्स। जितने घंटे वो काम कर रहे हैं उसकी तुलना में उनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम थी और रहने के जो अकोमोडेशन था वहाँ पर सैनिटेशन और हाइजीन की बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, जिससे जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन ख़राब हो रही थी डे बाय डे, उनकी हेल्थ पे इल इफ़ेक्ट पड़ रहा था उन सब चीज़ों का। और जब हम बात कर रहे हैं वेजेस की तो जो वुमन हैं वो भी 31% यानी कि जितने फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स लगे हुए थे उसके 31% जो है वो वुमन थी। लेकिन वर्किंग आवर्स सेम होने की वजह से, काम भी सेम होने के दौरान के बावजूद भी उन्हें जो वेजेस थे वो मैन के कंपैरिजन में कम दिया जाता था। उनका जो वेज था, उनका जो वेतन होता था वो हाफ एंड थ्री क्वार्टर होता था किसी भी मैन के वेजेस के। तो इस कारण से जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया और यही सोशल ग्रुप्स जो हैं आगे चलकर जो रेवोल्यूशन हुआ था उसमें एक बिग रोल प्ले करती हैं। तो वर्कर्स ने अपने आप को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, एक होते थे स्किल्ड वर्कर्स और दूसरे होते थे अनस्किल्ड वर्कर्स। जो स्किल्ड वर्कर्स होते थे वो परमानेंटली सिटीज़ के अंदर रहते थे और उनको वेतन जो है बाकी के कंपैरिजन में हाई होता था। अनस्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो अभी भी गांव से लिंक थे, शहर में उनका परमानेंट रेजिडेंस नहीं होता था और उनको वेजेस भी लो दिया जाता था। और हालांकि वो दो सोशल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो गए थे लेकिन जब बात स्ट्राइक की आती थी वर्किंग आवर्स को लेकर के या वर्क की कंडीशंस को लेकर के या वेजेस को लेकर के जब भी कोई बात स्ट्राइक की होती तो ये दोनों इकट्ठे हो जाते थे, ये मिल करके उसको स्ट्राइक में इक्वली एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। 1896 टू 1897 टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्ट्राइक हुई थी और 1902 में मेटल इंडस्ट्री की स्ट्राइक हुई थी। अब आपने ये देखा कि हमने बात की डिवाइडेशन की तो वो स्किल के बेस पर डिवाइड हुए थे, स्किल्ड और अनस्किल्ड। जो मेटल वर्कर्स थे उनको लगता था कि मेटल की जो फैक्ट्री होती है उसमें काम करने के लिए उनको टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है बाकी किसी अन्य फैक्ट्री में काम करने की वजह से, तो वो अपने आप को सीनियर समझने लगे थे। ठीक है, यानी कि उनको मोर स्किल्स और एफिशिएंसी चाहिए थी मेटल इंडस्ट्रीज़ को के वर्कर्स को, इसलिए वो अपने आप को स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी में डिवाइड करती थी। अब बात करें हम विलेजेस की तो विलेजेस के अंदर जो पीजेंट्स होते थे वो मोस्ट ऑफ द लैंड को, यानी कि जो किसान होते हैं वही ज़्यादा लैंड को कल्टीवेट करते थे, उसके अंदर एग्रीकल्चर करने का काम यही होता था। हालांकि जो लैंड होती थी वो किंग नोबल और क्रिश्चियनिटी ऑर्थोडॉक्स जो चर्चेस थे उनके अंडर में होती थी मोस्ट ऑफ द लैंड, और उनकी लैंड पर जो काम करता था वो पीजेंट्स होता था। तो इससे पीजेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने देखा कि सिटीज़ के अंदर जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपने आप को कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है, तो फार्मर्स ने भी अपने आप को उन्हीं के बेस पर कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। बट दीज पीजेंट्स आर डीपली रिलीजियस और कुछ केसेस के अलावा, कुछ केसेस को हम छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो थे वो हेट करते थे नोबेलिटी से, नोबल्स को, और
कोशिश करते थे कि इनकी लैंड को बाय हुक और बाय क्रूक उसको अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। जो नोबल्स थे उनके पास पावर और पोजीशन दोनों ही थी। वो इसलिए नहीं थी क्योंकि वो पीजेंट्स के साथ कोई अच्छा बर्ताव करते थे, इसलिए पीजेंट्स उनको लाइक करते थे। जबकि जो पावर और पोजीशन थी वो इसलिए थी क्योंकि वो जार निकोलस सेकंड जो था उसको बहुत प्रेज करते थे, जिसकी वजह से वो बड़ा खुश होकर के इनको वो पावर देता था। और जो पीजेंट्स होते हैं उनके साथ ये क्या करते हैं, इससे जार को कोई मतलब नहीं होता था। तो पीजेंट्स इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। और जैसा कि हमने फ्रांस में पढ़ा था कि पीजेंट्स जो हैं वो रिवॉल्यूशन में किंग के साथ होते हैं, नोबल्स के साथ होते हैं और सब मिलकर रिवॉल्यूशन करते हैं अगेंस्ट द किंग। यहाँ पर ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। जो पीजेंट्स होते थे वो चाहते थे कि जो नोबल्स की लैंड है उनको एक्वायर कर लें। इसके लिए उन्होंने जिस एरिया पे वो रह रहे थे उसके लिए जो रेंट था वो मानने से इनकार कर दिया। और उन्होंने अपने जो नोबल्स होते थे उनको मारना, उनको किल करना शुरू कर दिया। और ये जो लैंडलॉर्ड को अपने अपने ऑनर को किल करने का, उनका मर्डर करने का ये जो सिलसिला था वो बहुत ज़्यादा संख्या में 1902 तक हमें साउथ एशिया में और धीरे धीरे 1905 तक आते आते पूरे रशिया में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले। या आप कह सकते हो कि ये कॉमन चीज़ हो गई थी पीजेंट्स के लिए। जो दूसरे यूरोपियन पीजेंट्स थे उनके उनसे यदि कंपेयर करें तो रशियन पीजेंट्स वो बहुत अलग थे। वो एक साथ सारी लैंड को इकट्ठा करके और उन्होंने फिर धीरे धीरे कम्यून यानी कि जो मीर होते हैं उसके अंदर उस लैंड को डिवाइड कर लिया और जिसकी जितनी ज़रूरत होती थी उसके अकॉर्डिंग फिर वो उनको वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। यानी कि लैंडलॉर्ड का मर्डर करके उनको मारकर उनकी लैंड पर कब्जा कर लेते थे, फिर उस सारी लैंड को मिक्स करके एक बड़ा एरिया बनाते थे जिसको मीर या कम्यून कहते थे, फिर उसको फार्मर्स की पीजेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। यानी बड़ी फैमिली ज़्यादा नीड है तो ज़्यादा लैंड मिलेगी, छोटी फैमिली छोटी नीड है तो कम लैंड मिलेगी। आई होप मैं आपको क्लियर हूँ स्टूडेंट्स। अब ये तो हमने समझ लिया वहाँ का सारा स्ट्रक्चर, सिटीज़ में वर्कर्स क्या कर रहे थे, विलेजेस में पीजेंट्स क्या कर रहे थे। अब हमें सारी सिचुएशन समझ आ गई है। अब हम आते हैं अपने सोशलिज्म वाले टॉपिक पे। 1914 तक यानी 1914 तक रशिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना इलीगल था। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं कर सकता था। उसके बावजूद 1898 में रशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी जो कि इलीगल तरीके से ऑपरेट होती थी। यानी नेचुरल लेवल पे देखें तो बनाना अलाउड नहीं था लेकिन फिर भी पार्टी बनी और उसको छुप छुप कर इलीगली तरीके से ऑपरेट किया जाता। जितनी भी स्ट्राइक्स होती थी वर्कर्स की उनको ये पॉलिटिकल पार्टी न्यूज़पेपर के जरिए ऑपरेट करती थी जिससे वर्कर्स समझ जाते और वो स्ट्राइक पर चले जाते थे। है ना कितनी वंडरफुल स्ट्रैटेजी। अब जो सोशलिस्ट थे, जो डिफरेंट सोशलिस्ट थे उस टाइम पर, उन्हें लगा कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने किस तरह से अपने आप को जो लैंड है उसको नीड्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यानी प्रोडक्शन का जो मेन था उसको कैसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो सोशलिस्ट को लगा अरे यही तो सोशलिज्म है। एज यू नो स्टूडेंट्स, सोशलिज्म जब हमने पढ़ा था तब यही तो पढ़ा था कि सोसाइटी के अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है
वो एक व्यक्ति के हाथ में ना रहें बल्कि सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी है उसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, और वहाँ के जो फार्मर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो लैंडलॉर्ड से को मर्डर करके उस लैंड को ओवरपावर करके और नीड्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। तो सोशलिस्ट को लगा, अरे यही तो सोशलिज्म है, इट मीन्स हमारा जो रेवोल्यूशन होगा, हम इन फार्मर्स को ही अपनी रेवोल्यूशनरी फोर्स बना लेते हैं, यानी कि हमारा सोशलिज्म का के लिए जो रेवोल्यूशन करेंगे उसमें मेन रोल अब कौन प्ले करेगा? पीजेंट्स। और इस तरीके से जो रशिया है वो बाकी यूरोपियन कंट्री से सबसे पहले सोशलिस्ट कंट्री बन जाएगा, और कंट्री साइड में जो सोशलिस्ट थे वो इसी क्राइटेरिया को लेकर के लेट 19th सेंचुरी में काफ़ी एक्टिव हो गए थे। ऐसी ही एक सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी इन 1900 बनाई गई, जो पीजेंट्स के राइट्स के लिए फाइट करती थी, और इसको बनाया था लेनिन ने। दिस पार्टी फोट फॉर पीजेंट्स राइट एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नॉबल्स बी गिवन टू पीजेंट्स, बट सोशल डेमोक्रेट्स डिड नॉट एग्री विद सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स। जो लेनिन था उसको लगता था कि जो पीजेंट्स हैं वो खुद में ही यूनाइट नहीं हैं, क्योंकि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो उनके बीच में डिफरेंस पैदा करता है पुअर और रिच का। कुछ वर्क पीजेंट्स ऐसे हैं जो अपने खेत पर काम कर रहे हैं, और कुछ पीजेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे की लैंड पर काम कर रहे हैं। तो जब वो खुद यूनाइट नहीं हैं तो वो कैसे किसी के लिए मॉडल बन सकते हैं? तो लेनिन को लगा कि हमें पीजेंट को रेवोल्यूशनरी फोर्स नहीं बनाना चाहिए। और व्लादिमीर लेनिन का जो ये एक्सप्लेनेशन थी, या एक तरह से कह सकते हो कि पेजेंट्स को लेकर के जो उसके आइडियाज़ थे, हालांकि इस पार्टी को, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी को लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन, लेकिन उसके जो आइडियाज़ से उसे बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ये पार्टी दो टुकड़ों में बट गई। वन इज मेंशेविक्स एंड सेकंड इज बोल्शेविक्स। अब जो व्लादिमीर लेनिन थे वो बोल्शेविक्स पार्टी को लीड कर रहे थे, और लेनिन का मानना था कि पार्टी जो है वो डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, और जो संख्या है, जो मेंबर्स है, उसकी क्वालिटी और उसके नंबर्स को भी हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन जो मेंशेविक्स थे वो चाहते थे कि ये, जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो हम अपने मेंबर्स की संख्या को, उनके नंबर्स को क्वालिटी की बेस पर बैन नहीं कर सकते हैं, हमें सबका मोस्ट वेलकम करना चाहिए, जो भी पार्टी में शामिल होना चाहे उसको शामिल करना चाहिए। तो मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो बढ़ता चला गया। अब आता है एक ट्रिब्यूलेंट टाइम, जब 1905 का रिवॉल्यूशन होता है, रशिया जो है एक ऑटोक्रेसी कंट्री था, और जार 1920 तक पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता था, लेकिन लिबरल्स लगातार एफर्ट कर रहे थे कि इन सिचुएशन को बदला जाए, और लिबरल्स को इस सिचुएशन में जो नेशनलिस्ट और जार्डिस्ट थे, जार्डिस्ट वो मुस्लिम होते हैं जो जिहाद में पार्टिसिपेट करने को एडवोकेट करते हैं, उसको फेवर करते हैं, तो लिबरल्स को नेशनलिस्ट और जार्डिस्ट हेल्प कर रहे थे उसकी इस सिचुएशन को ख़त्म करने में, यानी वो चाहते थे कि जो जार है वो पार्लियामेंट का पार्ट होना चाहिए। जार के पास एब्सल्यूट पावर्स हैं,
उन्हें कंट्रोल किया जाना चाहिए और उन्हें कंट्रोल करेगी पार्लियामेंट। तो ये सब मिलकर उसके लिए अफोर्ड कर रहे थे। अब जो 1904 का ईयर था वो बहुत ही बुरा था रशियन वर्कर्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो प्राइसेस थी एसेंशियल गुड्स की वो इंक्रीज हो गई थी बाय 20%। और इनके 20% इंक्रीज होने से वर्कर्स के जो वेजेस थे वो 20% डिक्रीज हो गई। और जो मेंबरशिप थी वर्कर्स की वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गई, यानी कि लोग अपने राइट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एसोसिएशन के मेंबर्स बनने लगे। और जब फोर मेंबर्स को असेंबली ऑफ व्हेन फोर मेंबरशिप ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स विच हैड बीन फाउंडेड इन 1904 वर डिसमिस्ड एट द पुटिलोव आयरन वर्क्स, तो एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की गई और जिसके अंदर लगभग 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग के वो स्ट्राइक पर चली गई। उनकी डिमांड थी कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो 12 और 15 घंटे से घटाकर उसको डिक्रीज करके 8 आवर्स तक कर दिया जाए और हमारी वेजेस में भी इंक्रीजमेंट होना चाहिए। हम ऐसी बुरी वर्किंग कंडीशन के अंदर भी काम नहीं कर सकते तो वर्किंग कंडीशन के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और वर्कर्स की इन स्ट्राइक को उस समय पर लीड कर रहे थे फादर गिपोन। फादर गिपोन जो है वो विंटर पैलेस पहुंचते हैं, लेकिन जो किंग है वो उनसे मिलना नहीं चाहता है। वो पुलिस और कोसैक्स को बुला लेता है और इस वर्कर्स की इस भीड़ पर अटैक करवा देता है। और पुलिस और कोसैक्स बिना देखे ही इस भीड़ को अटैक कर देते हैं और जिसकी वजह से जो 100 वर्कर्स हैं वो मारे जाते हैं और 300 वर्कर्स घायल हो जाते हैं, वाउंडेड होते हैं। और ये इंसिडेंट उस दिन संडे था तो उसकी वजह से हिस्ट्री के अंदर ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। दिस इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। वर्कर्स की स्ट्राइक हुई थी, वर्कर्स को की स्ट्राइक को लीड कर रहे थे फादर गिपोन। फादर गिपोन विंटर पैलेस किंग के पास जाते हैं अपनी जो डिमांड्स हैं उनको देने के लिए, ताकि जो किंग है वो एक डिसीजन ले सके और उनकी जो मांगे हैं, जो डिमांड्स हैं उनको वो फुलफिल कर सके। लेकिन किंग उससे पहले ही, उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही पुलिस और कोसैक्स को वहाँ पर बुला लेता है और उस भीड़ के ऊपर, उन वर्कर्स के ऊपर अटैक करवाता है, फायरिंग करवाता है, जिसमें 100 वर्कर्स मर जाते हैं और 300 वर्कर्स घायल हो जाते हैं। दैट डे वॉज संडे, इसलिए उस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। आई होप मैं आपको क्लियर होंगी, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। हालांकि जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ही पीसफुल था, लोग कुछ हंगामा नहीं कर रहे थे, फिर भी जो ट्रूप्स हैं उन्होंने उसके ऊपर हमला किया और ये इंसिडेंट हुआ। 100 वर्कर्स किल्ड, 300 वर्कर्स वाउंडेड और इसे ही ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। आफ्टर दैट जो रिवॉल्यूशन है वो बढ़ता चला जाता है। अब जो स्ट्राइक्स थी वो ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट हो जाती है, एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है, यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हो जाती हैं, स्टूडेंट बॉडी जो है वो वॉकआउट कर देते हैं, उनका बहिष्कार कर देते हैं यूनिवर्सिटीज़ का। जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सब जो मिडिल क्लास वर्कर्स हैं वो सब यूनियन ऑफ यूनियंस फॉर्म कर लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करते हैं।
अब जार को लगता है कि ये सब जो हो रहा है इसे रोका नहीं जा सकता, लोगों के अंदर इतना एग्रेशन है कि वो चाह करके भी उसे दबा नहीं सकता है, तो वो डिसाइड करता है एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाने की, और जिसे कहा जाता है ड्यूमा। जैसे हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट होती है उसे हम संसद कहते हैं, वैसे ही वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसे कहा गया ड्यूमा। लेकिन 19 बहुत सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनके ऊपर 1905 तक बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, और जितनी भी कमेटीज़ थी वो अनऑफिशियल वर्क कर रही थी, क्योंकि लॉ के जरिए उनको इलीगल अनाउंस कर दिया था। और जो जार था उसने विद इन 75 डेज जो फर्स्ट ड्यूमा थी उसको डिसमिस कर दिया। फिर उसे लगा कि नहीं नहीं मुझे दोबारा से बनानी चाहिए, और 3 महीने के अंदर ही वो दूसरी ड्यूमा को इलेक्ट करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी जो क्वेश्चन करे उसकी पावर को, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करे, उसकी पावर को कम करे। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि पार्लियामेंट बने, और इसलिए उसने क्या किया, वोटिंग लॉज के अंदर चेंज कर दिए, और वो लिबरल्स को बिल्कुल भी, जो रिवोल्यूशनरीज थे या लिबरल्स थे, उनको नहीं चाहता था कि वो ड्यूमा का पार्ट बने। तो इसके लिए उन्होंने वोटिंग लॉज को चेंज कर दिया, और जो थर्ड ड्यूमा बनी वो कम्प्लीटली कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस की थी, यानी रिवोल्यूशनरी और लिबरल्स को बाहर रखा गया ड्यूमा से, क्योंकि जो रिवोल्यूशनरी और लिबरल्स थे वही स्ट्रॉन्गली डिमांड कर रहे थे पार्लियामेंट की, और उसने जो उसके फॉलोअर्स थे जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे उनको थर्ड ड्यूमा के अंदर पार्ट बनाया, ताकि वो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज ना करें और उसकी पावर को डिक्रीज ना करें। अब शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में, और जो सेंट्रल पावर्स दो पार्टीज़ के बीच में होता है, पहली होती हैं सेंट्रल पावर्स जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया, दूसरी होती हैं अलाइड फोर्सेस जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, रोमानिया और इटली, ये सब उसका पार्ट होते हैं। तो इन सब के बीच में एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है तो फर्स्ट जो पॉपुलेशन होती है रशिया की, वो सपोर्ट करती है अपने किंग को, जार निकोलस सेकंड को। लेकिन जैसे जैसे वार कंटिन्यू होता है तो जार निकोलस जो है वो किसी भी जो डूमा की मेन पार्टीज़ थी उनसे किसी भी तरह का डिस्कशन करना बंद कर देता है, और वो सारे डिसीजन अपने हाथ में ले लेता है, जिससे उसका जो सपोर्ट है वो कम हो जाता है, और एंटी जर्मन जो सेंटीमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ लगते हैं लोगों के अंदर। लोगों को जो जर्मन नेम या जर्मन सेंटीमेंट्स थे उन सब से नफरत होनी शुरू हो जाती है, और जिसके चलते जो लोग हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि एक उनका इंडस्ट्रियल स्टेट था, उसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नेम था, जिसको वो बदल करके पेट्रोग्राड कर देते हैं। और जो जार निकोलस सेकंड की वाइफ थी जरीना अलेक्जेंड्रा, वो भी जर्मन थी, और एक मोंक होते थे रास्पुतीन, जिससे जार निकोलस बहुत ही एडवाइस लेते थे। तो इन दोनों को भी जो लोग थे उन्होंने काफ़ी अनपॉपुलर कर दिया, इनके अगेंस्ट भी लोगों के अंदर बहुत बुरी फीलिंग्स थी, वो नहीं चाहते थे कि इन सबको हटाया जाए, वो चाहते थे कि इन सबको हटा दिया जाए, और हम जो हैं वो जर्मन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, वो चाहे क्वीन हो या फिर कोई नाम हो। लोगों के अंदर इतनी हेटर्ड थी जर्मन के अगेंस्ट, तो वो चाहते ही नहीं थे किसी भी तरह का सपोर्ट। अब बात करते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था वो दो फ्रंट पे लड़ा जा रहा था, ठीक है, एक था वेस्टर्न फ्रंट और एक था ईस्टर्न फ्रंट। जो वेस्टर्न फ्रंट है उसके अंदर ऐसे गड्ढे करके जो आर्मी है वो इजीली फाइट कर रही थी, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो ईस्टर्न फ्रंट था वहाँ पर आर्मी को काफ़ी लंबे एरिया से चलना पड़ता था, दूसरी चीज़ उनको खाने के लिए अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा था, जिससे जो आर्मी है वो लड़ाई करते करते थक गई, और वो जो सोल्जर्स हैं वो नहीं चाहते थे कि
जो वॉर है वो कंटिन्यू हो, और इन सब की वजह से जो सोल्जर्स हैं उनकी 7 मिलियन जो सोल्जर्स हैं वो ख़त्म हो गए थे, वो युद्ध के अंदर मर गए थे। अब जो रशिया की आर्मी थी उसको डिफीट कर दिया बुरे तरीके से जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने मिलकर, 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ हुई 1970 तक आते आते। अब जैसे जैसे जो रशियन आर्मी है उसने रिट्रीट करना शुरू किया, वापस आना शुरू किया, तो रशियन आर्मी को लगा कि यदि हम पीछे हट रहे हैं तो जो एनिमी है, जो सेना है दुश्मनों की, वो भी हमारे पीछे आएगी, तो उन्हें खाने के लिए कुछ ना मिले, रहने के लिए जगह ना मिले, तो मे बी वो वापस जा सकती है। जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा सोचकर अपने खुद के ही यानी रशियन जो फार्मर्स थे उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जितनी बिल्डिंग्स थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि जो एनिमी है वो वहाँ पर ना रह सकें और वहाँ सर्वाइव ना कर सकें। इससे जो रशिया के अंदर जो रिफ्यूजीज थे उनकी संख्या 3 मिलियन हो गई और सिचुएशन बहुत ही बुरी हो गई और बिल्कुल भी जार के फेवर में नहीं थी। सोल्जर्स अब ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा स्टेप उठाने से पहले ये नहीं सोचा कि वो अपनी ही कंट्री के लोगों के साथ इतना डिस्ट्रक्शन, इतना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कैसे सर्वाइव करेगी। और ऐसा नहीं था कि वार का इम्पैक्ट जो केवल फार्मर्स के ऊपर ही हो रहा था, बाकी पॉपुलेशन के ऊपर नहीं था, जबकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी बैडली इम्पैक्ट हुई थी, उनके ऊपर भी प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया था। कैसे? क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है रशिया को, हेयर यू कैन सी द रशिया और हेयर यू कैन सी द बाल्टिक सी, जो रशिया था एंड हेयर इट इज़ जर्मनी, रशिया को जितना भी रॉ मटेरियल मिलता था वो इस बाल्टिक सी से होकर ही यहाँ तक पहुँचता था। जर्मनी ने इस बाल्टिक सी को ओवरपावर कर लिया, जिससे रशियन की इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई भी रॉ मटेरियल उन तक पहुँचा ही नहीं, और जब रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगी। अब आप समझें कि केवल फार्मर्स सर्वाइव नहीं कर रहे थे, बल्कि इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट हाफ हो गई थी, जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट थे वो डिसइंटीग्रेटेड हो गए पूरे रशिया के में। और 1916 तक आते थे जो रेलवे लाइंस थी वो भी टूटना शुरू हो गई, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो लेबर्स और स्मॉल वर्कशॉप्स थी उनके अंदर जो एसेंशियल मटेरियल था वो बनना बंद हो गया, और जो अनाज की सप्लाई थी आर्मी को भेज दी गई, जिससे जो लोग हैं शहरों के अंदर उनको ब्रेड और फ्लोर यानी कि ब्रेड और आटे की बहुत कमी हो गई। और 1916 तक आते आते रॉयट्स जैसी सिचुएशन हो गई, खाने को लेकर के फूड स्कार्सिटी की वजह से वहां पर दंगे होने स्टार्ट हो गए, लोगों ने आपस में फाइट करना शुरू कर दिया। तो अब आप समझे कि 1905 जो था उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे रशिया को। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो स्टूडेंट्स, आई होप मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपकी स्टडीज़ में। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, and don't forget to press the bell button so that you will get the notification of my new video, and stay safe, stay healthy, stay reading. Have a nice day.